The God's Palace Resort, Ganga Facing Restaurant, Party House, Destination Wedding, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ। मेरठ के पल्लवपुरम थाना क्षेत्र के गांव दलहेड़ा चौहान में शराब पीने से मना करने पर एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। इस घटना से गुस्साए लोगों ने आरोपियों के घर में तोड़फोड़ करते हुए आगजनी की। मौके पर फायर ब्रिगेड व भारी पुलिस फोर्स पहुंच गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गांव में फिलहाल तनावपूर्ण शांति है। मारे गए युवक का नाम दीपक चौहान है। इसके बचाव में आए युवक के चाचा पर भी हमला किया गया था। प्रारंभिक छानबीन में सामने आया है कि दीपक चौहान मोतीपुरम में नौकरी करता था। बीती रात संदीप व ऋतिक शराब पी रहे थे। इन्हें दीपक ने समझाने का प्रयास करते हुए शराब न पीने के लिए कहा। बताया जा रहा है कि इसे लेकर उनकी कहासुनी हो गई। रात करीब 1 बजे संदीप अपने भाई व एक अन्य के साथ दीपक के घर पहुंचा और दीपक को मौत की नींद सुला दिया। मौके पर मौजूद पुलिस आईजी प्रवीण कुमार ने यह कहा। इसमें दो लोगों के बीच में एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसमें दुखद घटना एक हुई है। जो आरोपी हैं वो उनकी एक हिस्ट्री शीट भी लिखी हुई है और गैंगस्टर एक्ट से उनकी जमानत पर रिहा हुए हैं। सभी पहलुओं पर हम लोग गहराई से अन्वेषण कर रहे हैं। दो लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है मौके पर और जो भी इसमें दोषी है किसी को बख्शेंगे नहीं और कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। थैंक यू। वहीं SSP रोहित सजवाण का यह कहना है। थाना पल्लवपुरम के अंतर्गत दुलेड़ा चौहान गांव पड़ता है। यहां पर दो युवकों के द्वारा जो बताया जा रहा है कि शराब के नशे में एक दूसरे युवक की चाकू से हत्या कर दी गई, जिसको अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। और इस पूरे प्रकरण में वादी पक्ष की तहरीर अभी प्राप्त की जा रही है और जो दो अभियुक्त जिनके ऊपर आरोप लगाया गया पुलिस के द्वारा, उन दोनों ही को हिरासत में ले लिया गया है और उनके ऊपर कठोर विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इसमें जो यहाँ पे पुलिस कर्मी भी मौजूद हैं और गाँव में शांति व्यवस्था कायम है। मकान में भी आग लगाई है, मकान था। ये दोनों जो पक्ष हैं इनका एक दूसरे पर आरोप लगाया है कि उसमें आगजनी का इनका प्रयास किया गया अभियुक्त के घर पर, और इसमें पुलिस छानबीन कर रही है और इसमें जो भी दोषी होगा उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर बनी रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए FirstBite.tv। नमस्कार।